हिंदू धर्म से संबंधित सारी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू पर बेल का बटन भी जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में आप सभी का स्वागत है। अंतिम हिंदू सम्राट हेमू, सर कटा दिया पर नहीं पढ़ा कलमा। आपको इतिहास की किताबों ने ये तो बताया होगा कि हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ। इन्हीं किताबों में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हुमायूं ने किसी मल्ला या भिश्ती को एक दिन के लिए राज सौंपा था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। उन्हीं किताबों में आपने शायद ये भी पढ़ा हो कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे, पर इतिहास की किसी किताब ने आपको ये नहीं बताया होगा कि शेर शाह सूरी को अकबर के बीच दिल्ली की गद्दी पर पूरे वैदिक रीति से राज्याभिषेक करवाते हुए एक हिंदू सम्राट भी राजासीन हुए थे, जिन्होंने 350 साल के इस्लामी शासन को उखाड़ फेंका था। इन किताबों ने आपको नहीं बताया होगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद मध्यकालीन भारत के इस अंतिम हिंदू सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और गौ हत्यारों के लिए मृत्युदंड की घोषणा की थी। इन्होंने आपको ये भी नहीं बताया होगा कि इस पराक्रमी शासक ने अपने जीवन में 24 युद्ध का नेतृत्व करते हुए 22 में विजय पाई थी। जाहिर है उस सम्राट के बारे में न तो हमें इतिहास की किताबों में बताया गया और न ही हमारे इतिहास के शिक्षकों ने हमें बताया, तो फिर कुछ पता भी कैसे पड़ेगा दोस्तों हमें हमारा इतिहास। एक गरीब ब्राह्मण पुरोहित के घर में एक पुत्र पैदा हुआ था जो अपनी योग्यता और लगन से 1553 में सूरी सल्तनत के मुख्य सेनापति से लेकर प्रधानमंत्री के पौधे तक पहुंच गया था। 1555 ईस्वी में जब मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय वो बंगाल में था और वहीं से वो मुगलों को भारत भूमि से खदेड़ने के इरादे से सेना लेकर दिल्ली चल पड़े थे और मुगलों को धूल चटाते हुए अक्टूबर 1556 को दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुए थे हेमू जी। दिल्ली के पुराने किले ने सैकड़ों साल बाद पूर्ण वैदिक रीति से एक हिंदू सम्राट का राज्याभिषेक होते देखा। हेमू ने राज्याभिषेक के बाद अजात शत्रु सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर हेमचंद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनके सिंहासन रूढ़ होने के एक महीने बाद ही अकबर ने एक बड़ी सेना उनके खिलाफ भेजी। महान पराक्रमी हेमू ने पानीपत दूसरे युद्ध में अकबर की सेना में कोहराम मचा दिया, पर धोखे से किसी ने उनकी दाई आंख में तीर मार दिया जिससे युद्ध का पासा पलट गया और हेमू जी हार गए। 5 नवंबर 1556 का दिन भारत के लिए दुर्भाग्य लेकर आया। अकबर के जालिम सलाहकार बैरम खान ने इस अंतिम हिंदू सम्राट को कलमा पढ़ने को कहा और उनके इनकार के बाद उनका सर कलम करवा दिया। कहा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद जब अकबर ने घायल हेमू के सर कलम का आदेश दिया था, तब हेमू के पराक्रम से परिचित उसके किसी भी सैनिक में यह हिम्मत नहीं थी कि वो हेमू का सर काट सके। इन बुजदिलों ने हेमू की बर्बर हत्या के बाद उनके 80 वर्षीय पिता पूरनदास पर भी इस्लाम कबूलने का दबाव डाला और इनकार करने पर उनकी भी हत्या कर दी। अगर पानीपत के द्वितीय युद्ध में सम्राट हेमू नहीं मारे जाते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, मगर हमारी बदनसीबी है कि हमें अपने इतिहास का न तो कुछ पता है, न ही उसके बारे में कुछ जानने में कोई दिलचस्पी है। इसलिए कोई एक इरफान हबीब, विपिन चंद्र या रोमिला थापर हमें कुछ भी पढ़ा जाता है और कोई भंसाली हमारे चरित्रों के साथ बलात्कार करने की हिमाकत करता है। वो ऐसी हिमाकत इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उस सम्राट की हवेली जो रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ले में स्थित है, वो आज बकरी और मुर्गे पालन के काम आ रही है। और इधर हम मुगलों और आक्रांताओं के मजारों, मुसलखानों और हरमखानों का हर साल रंग रोगन करवा रहे हैं। ये दोगले इतिहासकार तो हमें हेमू को यथोचित स्थान देने से रहे, इसलिए आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के बारे में खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने हिंदू मित्रों को भी पढ़ाइए और हर भारतीय को पढ़ाइए।
इतिहासकारों की गर्दनें दबोचकर हेमू की उपेक्षा पर उनसे सवाल पूछिए और हो सके तो कभी हेमू की हवेली पर जाकर उनको नमन कीजिए दोस्तों, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए दोस्तों, उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनके मार्गदर्शन पर ही चलिए। इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हर हमारे भारतीय भाई को, हर हिंदू भाई को पता चले हमारा सच्चा इतिहास कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद भी सम्राट हेमू जी आए थे जिन्होंने भारत पर फिर से शासन किया था दोस्तों। ये सब इन लोगों के झूठे षड्यंत्र है दोस्तों, जो हारे हुए हैं लेकिन हमेशा अपने को झूठ से छल से जीता हुआ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके कोशिश करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सत्य कभी छुपा नहीं जाता। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। हिंदू धर्म से संबंधित सारी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू पर बेल का बटन भी जरूर दबाइए। धन्यवाद।